तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, मतलब ओप्पो कंपनी की तरफ से कौन से ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन हैं जो आने वाले हैं बहुत ही जल्द, मतलब ये सब अपकमिंग स्मार्टफोन होंगे। तो इनके बारे में जो स्पेक्स बताऊंगा मैं और जो लॉन्च डेट बताऊंगा और जो प्राइस बताऊंगा वो सब एक्सपेक्टेड होंगी, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्मार्टफोन आने वाले हैं वो कितने प्राइस में आएंगे और कब तक आएंगे। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूं। मैं वारन सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, आइए शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन निकल के आता है ओप्पो की तरफ से वो है ओप्पो R15 Plus। इसकी जो स्पेसिफिकेशन निकल के आती है वो बता दूं, इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले इसकी जो होगी 6.2 इंच की। इसकी जो आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी वो है 64 GB इंटरनल की, जिसमें आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा वो होगा 16 मेगापिक्सल का। इसमें जो बैटरी होगी वो होगी 3750 mAh की और इसमें जो आपको रैम मिलेगी वो करीबन 6 GB होगी। मैं आपको बता देता हूं, उसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट निकल के आती है वो है August 22, 2018 और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आती है वो है 28,990 rupees। और अब आप देख सकते हैं R15 Plus के जो लुक्स निकल के आते हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ओप्पो की तरफ से जो स्मार्टफोन निकल के आ रहा है वो है ओप्पो का 5X और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो आपको ऑक्टा कोर मिलेगा। डिस्प्ले इसकी 5.5 इंच है। इसमें जो इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी वो है 64 GB की। कैमरा आपको 23 MP मिलेगा, रियर कैमरा आपको 23 MP मिलेगा और जो बैटरी है वो है 4000 mAh की और रैम इसमें आपको 6 GB मिलेगी। स्पेक्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफी कमाल का है। इसके जो लुक्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो वो भी काफी कमाल के हैं ओप्पो 5X के। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं उसकी जो लॉन्च डेट और प्राइस। तो ओप्पो 5X की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट निकल के आती है वो है August 29, 2018 और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आती है वो है 29,990 rupees। और अब आप देख सकते हैं ओप्पो 5X के जो लुक्स निकल के आते हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे ओप्पो की तरफ से स्मार्टफोन निकल के आता है वो है ओप्पो का फाइंड 9। प्रोसेसर आपको वही ऑक्टा कोर मिलेगा, 5.5 इंच की स्क्रीन है, इंटरनल स्टोरेज 32 GB है, रियर कैमरा 21 MP का है, बैटरी आपको 4000 mAh मिलेगी और जो रैम है वो आपको 6 GB मिलेगी। ये पहले मैं आपको बता दूं, जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं ये भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि अब तक फोन लॉन्च हुआ नहीं है, तो जो आपको स्पेसिफिकेशन आप सुन रहे हो वो जरूरी नहीं कि ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आए, पर जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन निकल के आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ओप्पो फाइंड 9 की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट निकल के आती है वो है 21 अगस्त 2018 और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आती है वो है 37,990 rupees। अगर हमें जैसी स्पेसिफिकेशन ओप्पो फाइंड 9 के सुनने को मिली है, अगर उसी के हिसाब से, अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये स्मार्टफोन आएगा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, तब तो ये 37,000 प्राइस में सही बैठेगा। पर अगर उसे स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं आता, अगर उससे कम आता है, तब तो ये बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगी ओप्पो फाइंड 9 के लिए। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे ओप्पो के तरफ स्मार्टफोन निकल के आता है वो है ओप्पो का R13। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताया था, उसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो भी ऑक्टा कोर है, 5.99 इंच की स्क्रीन है, करीबन 6 इंच की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो स्टोरेज है वो है 64 GB मतलब इंटरनल स्टोरेज, कैमरा इसका 20 MP का है और जो रैम है वो आपको 4 GB देखने को मिलेगी। ओप्पो R13 की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है 22 अगस्त 2018 और एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो है 34,000 rupees। और इसके बाद जो लास्ट ओप्पो की तरफ से फोन निकल के आता है ओप्पो A73। इसमें भी आपको प्रोसेसर ऑक्टा कोर देखने को मिलेगा, 6 इंच की स्क्रीन होगी, इंटरनल स्टोरेज इसमें होगी 32 GB की और इसमें जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो है 13 MP का, जो बैटरी होगी वो है 3200 mAh की और जो रैम होगी वो होगी 4 GB की।
और ओप्पो A73 की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट निकल के आती है वो है July 30, 2018, और जो प्राइस निकल के आता है वो है एक्सपेक्टेड प्राइस जो निकल के आता है वो है 34,990 रुपीज। तो दोस्तों ये थे कुछ पांच स्मार्टफोन जो ओप्पो की तरफ से आ सकते हैं, अभी आए नहीं हैं, अभी इनकी मतलब प्लानिंग चल रही है और अब देखते हैं जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई गई है उनके हिसाब से जो पांच स्मार्टफोन मैंने आपको बताएं ये कब तक लॉन्च करता है ओप्पो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, लाइक करना जरूरी है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक यार आते ही नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्यों, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कर दो, लाइक करना जरूरी है, मुझे लाइक चाहिए ही चाहिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाके कर दो सब्सक्राइब, आई नीचे ही बटन है जल्दी से कर दो सब्सक्राइब।